देखिए तीन चीजें इसमें समझने वाली हैं। हाँ, एक कहते हैं लॉजिकल, एक कहते हैं इलॉजिकल और एक कहते हैं ट्रांसलॉजिकल। तो लॉजिक से लोग भगवान को समझना चाहते हैं और हम लोग साइंटिस्ट लोग इस्कॉन में बहुत हैं, साइंस प्रीचिंग चलती है, यूथ प्रीचिंग, और उसमें हम लोग लॉजिक्स देकर के लोगों को आकर्षित करते हैं कृष्ण की ओर। पर कृष्ण कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय लॉजिशियंस। कृष्ण को लॉजिक के द्वारा तर्क वितर्क से समझना असंभव है, मुश्किल है। तार्किक ज्ञान तो मिल सकता है लेकिन कृष्ण समझ में आएंगे, कृष्ण प्रेम मिलेगा, ये नहीं मुश्किल है। तो इसलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न करूं, इसका उत्तर देखे कौन देता है। जैसे तेनाली राम से प्रश्न किए जाते थे और तेनाली राम राजा के दरबार में और वो उत्तर देते थे। एक ऐसी कौन सी वस्तु है जो संसार में सबसे हल्की है लेकिन उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, काफी देर तक आप उसे होल्ड नहीं कर सकते। हाँ जी, वायु को पकड़ ही नहीं सकते, होल्ड करना तो दूर की बात। श्वास, यस, ब्रेथ सबसे हल्की है हवा इसमें, लेकिन इसको रोक पाना असंभव है, इसको बहुत देर तक आप रोक नहीं सकते। तो यहां पर सुनते हैं कि गोपियों की श्वास रुक गई है, अभी इसमें लॉजिक ही नहीं लगता, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान ने ब्रह्मा की एक रात्रि तक रासलीला करी, यानी कि भगवान ने समय को रोक दिया। अब ब्रह्मा जी की एक रात्रि 1000 बार चतुर्युग घूम जाएं, जो कि 43,20,000 वर्षों के हैं, into 1000, इतनी रात्रि तक, इतने टाइम तक रासलीला चल रही है। हम कितनी देर करेंगे, किसी को घुमाओ 1.5 घंटा 2 घंटा चक्कर कमाओ, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, प्रभु जी बस, प्रभु जी बस, अब नहीं होगा, हरे कृष्णा प्रभु जी बस, 2 घंटे में हवा गाए, 24 घंटे किसी से कीर्तन करवा लो, लोग गायब हो जाएंगे, नहीं कर सकते। अब यहां पर गोपियां ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक डांस कर रहे, रासलीला चल रही, करो चीटिंग, टाइम कैसे रुक गया, टाइम कैसे रुक गया, क्योंकि भगवान ने तो 125 वर्ष की लीला करी ना, तो उसमें वो एक रात्रि का काल रुक कैसे गया, जो कि 1000 × 43,20,000 वर्ष रुक कैसे गया। इलॉजिकल है बड़ा, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा ना, ये लॉजिक से समझ में आएगा, और इलॉजिकल तो है ही नहीं, तो ये कौन सा है, ये है ट्रांसलॉजिक। ये ट्रांसलॉजिक, ट्रांसलॉजिक वो है जहां लॉजिक फेल हो जाते हैं, वह ट्रांसलॉजिक है, समझने से परे की बात। इसलिए परोक्ष का ज्ञान, अक्ष यानी आंखें, और परोक्ष यानी जो आंखों के परे का ज्ञान है, उसे परोक्ष का ज्ञान कहते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।